अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सेव चने की फलियों की सब्ज़ी, जिसको बाकला की सब्ज़ी भी कहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है। मैंने सेव चने की फलियां बनाई हैं कीमे में। वैसे तो आप बिना कीमे के भी इन्हें बना सकते हैं, लेकिन कीमे में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं आपको काटने से लेकर पकाने तक का सारा ही तरीका इस वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सेव चने की फलियाँ होती हैं कुछ इस तरह की। थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन हम दोनों ही साइड से कटिंग कर देंगे। दोनों ही साइड से कट करने के बाद बारीक बारीक कटिंग करेंगे ये इस तरह से। सारी फलियाँ हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब अच्छे से धोने के बाद, कटिंग करने के बाद एक उबाल आने तक बॉईल करेंगे। कुकर में डालेंगे ऑयल। आधा किलो ही फलियां हैं और आधा किलो ही हमने कीमा लिया है। अब इतना ऑयल डालने के बाद हम दो कटे हुए बड़े प्याज डालेंगे। थोड़ा प्याज फ्राई करने के बाद अब हम मसाले डालेंगे। हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक। देखिए, प्याज फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब देखिए, कीमे को हमने अच्छे से धो लिया है। यहाँ मैंने लिया है चबनी वाला कीमा। चबनी वाला कीमा बड़ा ही टेस्टी लगता है। कीमा डालने के बाद अच्छे से चम्मच चलाएंगे और बस अब फलियाँ भी डाल देंगे। फलियाँ डालने के बाद फिर अच्छे से चम्मच चलाकर मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे। तीन सीटी आने के बाद हम चेक करेंगे। तीन सीटी आने के बाद दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी कुछ कच्ची हैं, तो अब हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और एक सीटी और लगाएंगे। अब एक सीटी आने के बाद अब चेक करते हैं, तो अब देखिए दोनों ही चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से गल गई हैं। तो अब डालेंगे लहसुन का पेस्ट, कुछ थोड़ा सा डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने बिल्कुल बारीक हरी मिर्च और टोमेटो काट लिए हैं, अब ये भी हम इसमें मिक्स करेंगे। अच्छे से चम्मच चलाएंगे और अब एक सीटी और लगाएंगे, साथ साथ भुनाई भी हो जाएगी। और अब देखिए, एक सीटी लगाने के बाद हमारी सब्जी की भुनाई भी हो गई है साथ साथ, ये देखिए। अगर आपको लगे कुछ पानी एक्स्ट्रा है तो खोलकर खुश्क कर लें। और बस अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर कटा हुआ बारीक हरा धनिया डाल दें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दें। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। जल्दी ही हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।